चर्चित गैंगस्टर आबू उर्फ फिरोज खान को डीसीपी जोन 4 नूरुल हसन के विशेष दस्ते ने रविवार को भंडारा से गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। एक के बाद एक जमीनों पर कब्जा करने और फिरौती के मामले दर्ज होने के बाद पुलिस ने आबू और उसकी गैंग के खिलाफ मौका लगा दिया था, लेकिन पिछले 7 महीनों से वह पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। आखिर उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल गई। आबू के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। केवल आबू ही नहीं, पिछले 2 दशकों से उसके भाइयों ने भी बड़ा ताजबाग परिसर में अपनी धाक बनाई हुई थी। किसी समय अफजल नामक अपराधी के साथ आबू का 36 का आंकड़ा हुआ करता था, लेकिन अफजल के जाने के बाद तो आबू ताजबाग में राज करने लगा, जहाँ जिसकी चाहता उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लेता था। बड़ा ताजबाग दरगाह परिसर में हर मौके की जगह पर आबू का ही कब्जा था। आबू की गिरफ्तारी के पहले उसके दोनों भाइयों को सकदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आबू पुलिस से बचता घूम रहा था। CDR और IPDR पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी, साथ ही पंडरों को भी काम पर लगाया था। नागपुर से फरार होकर वह गढ़चिरौली, अहमदाबाद, मेहसाना, अमरावती, उमरेड और भंडारा में समय काट रहा था। इसके पहले एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए अहमदाबाद भी गई थी, लेकिन वहां से भी आबू भाग निकला था। DCP नूरुल हसन किसी भी तरह आबू को गिरफ्तार करना चाहते थे, इसलिए एक टीम को लगातार उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखने को कहा गया। आखिर भंडारा के बसूरा टोला परिसर से उसे गिरफ्तार किया गया। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।